हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक है फ्रिज की लाइट जल रही है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है। क्या आपके फ्रिज में सेम प्रॉब्लम है? आपके फ्रिज लाइट चल रही है लेकिन कंप्रेसर चालू नहीं हो रही है, कूलिंग नहीं करता है। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका। अगर आप एक टेक्नीशियंस हैं तो भी वीडियो काम की है, और नहीं है तो और ज्यादा आपके लिए काम की है। दोस्तों मैं बताऊंगा इस वीडियो में बहुत सिंपल बहुत सरल तरीका, ताकि अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को पहचानेंगे और सॉल्व कर पाएंगे। आज की टॉपिक है फ्रिज की लाइट जल रही है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा। उस कंडीशन में क्या करनी है आपको, फ्रिज के पीछे जानी है। फ्रिज फिलहाल चालू रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर टेस्टर से चेक करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो टेस्टर में यहाँ पर नीचे वाले साइड पे तो नहीं जल रही है, लेकिन इस रिले में देखते हैं तो करंट आ रही है। मतलब इससे न्यूट्रल आती है और इससे करंट आता है, मतलब दोनों वायर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रल भी आ रही है, यहाँ पर करंट भी आ रही है, उसके बावजूद जो कंप्रेसर है वो नहीं चल रही है। तो कैसे पहचानेंगे हम बताएंगे, बहुत सिंपल बहुत सरल तरीका। अब यहाँ पर आप एक काम करेंगे, फ्रिज की पावर प्लग निकाल देंगे, फ्रिज को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये जो देख रहे हैं ओएलपी और रिले दोनों पार्ट को खींचनी है। इस तरीके से खींचिए, ये देखिए इस तरीके से खींचिए। खींचने के बाद निकल जाती है दोस्तों, काफी सिंपल तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। तो क्या होता है, ये देख रहे हैं ओएलपी, ओएलपी में यहां पर कई बार चटक जाती है या फिर तड़का हुआ दिखेगा आपको। ओएलपी यहां पर चिपक जाएगा या फिर तड़का हुआ दिखेगा, इससे आप जान जाना, या फिर यहां पर फूला हुआ दिखेगा, इससे जान जाना कि ये जो ओएलपी है वो खराब हो चुकी है। ऐसे पहचान करेंगे। और देखते हैं यहां पर ये जो रिले है, रिले खराब हो गई तो उसको इस तरीके से हिलाएंगे, हिलाएंगे तो इसके अंदर से साउंड आएगी, खराब होकर अंदर के पार्ट टूट जाती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चलता है। तो इस तरीके से हिला कर देखेंगे तो साउंड करेगी, उससे समझ जाना कि ये जो रिले है उसका काम हो चुका है, खराब हो गया। अब आप इस कंडीशन में दोनों को चेक कर सकते हैं, रिले और ये ओएलपी, दोनों में से जो भी पार्ट आपको खराब लगे एक पार्ट नया लाएंगे, कंप्रेसर पर लगाएंगे, फिर आपकी कंप्रेसर चालू हो जाएगी, ठीक होगा तो गैस होगी तो बराबर कूलिंग करेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कीजिएगा, फिर से लेकर आएंगे नई वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।